लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। हेलो गाइस, तो गाइस यहाँ पे आज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फेसबुक अगर आप चलाते हो तो फेसबुक पे नंबर ऑफ फ्रेंड्स का होना बहुत मायने रखता है, ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप फेसबुक पे अपने नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। हाउ विल यू इंक्रीज़ योर नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। अब दोस्तों पूछ रहे होंगे कुछ लोग अपने मन में कि नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स को मतलब फ्रेंड्स बढ़ाने से क्या फ़ायदे। दोस्तों बहुत तरीके के फ़ायदे हैं फ्रेंड्स को बढ़ाने से। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आपके पास जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे उतनी ही बढ़िया आपके पास कम्युनिटी होगी, और जितनी ज़्यादा जिसके पास कम्युनिटी होती है उसके पास लोग उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं अपने ब्रांड को लेकर के, अपने बिजनेस को लेके। तो हर एंगल से आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इट्स वेरी नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स को बढ़ाएं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे उसके आगे उठता है कि किस तरीके से आप फ्रेंड सर्कल्स को बढ़ाएंगे अपने फेसबुक अकाउंट पे। तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करता हूँ यहाँ से, एंड ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी मेन प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे आपको ये जो ग्रुप का ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इसके ऊपर आप टैप करें वन टाइम। इसके ऊपर नहीं, आपको बैक जाना है, सॉरी, इसके ऊपर आपको टैप नहीं करना है। ये सिंगल जो है इसके ऊपर आप टैप करें तो यहाँ पे आपकी पर्सनल प्रोफाइल आएगी। यहाँ से भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जाना है थ्री बार्स पे और फिर आपको यहाँ पे फ्रेंड्स पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको आपके आपके लिए या आपके अकाउंट पे जितने लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी वो यहाँ पे आपको इस तरीके से लोग दिखेंगे, राइट। इसके अलावा आप जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा पीपल यू मे नो, मतलब वो लोग जिनको आप जान सकते हैं, मतलब ये हुआ कि जिनको आप फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे आपको आपका मेन टारगेट है कि आपको फेसबुक पे नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स को बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि जितने लोगों के सामने ऐड फ्रेंड्स ऐड फ्रेंड्स ऐड फ्रेंड्स ऐड फ्रेंड्स लिखा हुआ आ रहा है सब पे टैप करते चले जाइए। देखिए मैंने कर दिया 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 कर दिया, इस तरीके से आपको करते जाना है। और एक दिन में आपको कम से कम 100 लोगों को करना है या 200 लोगों को करना है, एक फिक्स कर लीजिए आपको एक दिन में 200 लोगों को करना है या 100 लोगों को करना है। और हर रोज़ करिए, कंसिस्टेंटली करिए, कंटिन्यूसली करिए, गैप ना होने दीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप वो नंबर फिक्स करिए जो नंबर आप रेगुलरली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 500 एक दिन में कर रहे हो और अगले दिन आप 200 कर रहे हो और अगले दिन आप कर ही नहीं रहे हो, ये नहीं करना है। कंटिन्यूसली वो नंबर फिक्स करो जो रोज़ कर सकते हो, फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करा सकते हो। इस तरीके से जब आप करते रहोगे ना तो 100 लोगों में करोगे ना तो 100 लोगों में से कम 20 लोग तो ज़रूर ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे जुड़ जाएंगे। तो आपकी फ्रेंड लिस्ट यहाँ से धीरे 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 बड़ी होती जाएगी और एक समय आएगा कि आपके फॉलोअर्स आपके फ्रेंड्स मिलियंस में हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत जानते हो दोस्तों यहाँ पे कहाँ आती है, लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। 10 दिन जोश रहता है उसके बाद वो मिस करने लगते हैं, भूल जाते हैं। क्यों क्यों भूल जाते हैं? इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि ये जो काम है ये आपको कंसिस्टेंटली लंबे समय तक करना पड़ेगा इसका रिजल्ट देखने के लिए। कम टाइम में इसका रिजल्ट आता नहीं है तो लोग घबरा जाते हैं और लोग इसे एग्जिट हो लेते हैं। तो दिस इज़ नॉट, आपको कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली इसको परफॉर्म करते रहना है थ्रू लॉन्ग टाइम, फिर आपको रिजल्ट दिखेगा। तो बस इसी तरीके से आप एक समय आएगा कि आपके पास मिलियंस में फॉलोअर हो सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और करनी है कि आपकी जो भी अपनी पर्सनल प्रोफाइल है वहाँ पे डेली आप चाहें तो एक स्टोरी डाल सकते हैं या डेली एक पोस्ट आप कम से कम ऐसी पोस्ट करें जो लोगों के पसंद की हो, लोगों को खुश रखे, लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को आपसे जोड़ के रखे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट बढ़ाते जाना है और उसके बाद आप प्रोफाइल को बिल्कुल डेड रखते हो, नॉट लाइक दैट।
प्रोफाइल को मेंटेन करो, एटलीस्ट 1 पिक डेली उस पर ऐड करो, पोस्ट करो, और कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी के साथ में आप इसको फॉलो करो। तो डेफिनेटली मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप लंबे समय तक इसको फॉलो करते हो, इन दैट सिचुएशन यू विल बी गेटिंग बेटर रिजल्ट अकॉर्डिंग टू मी। सो आई होप दिस वर्क्स बेटर फॉर यू। सो गाइज, आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस गाइज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।